हाँ बच्चों दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बात बताओ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, है ना। एक बात बताओ मेरे को बेटा, मैसेज होस्ट को। हाँ आज शीट के ऊपर ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है ना, वो कोविड। सुनो एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं जैसे ऐसे लिखता हूं, तो आपको तो लैंडस्केप में कर सकते हो आप इसको, नहीं कर सकते? कैसे कर सकते, किसी को पता है तो बता दो। अच्छा लैपटॉप पे नहीं होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम लैंडस्केप पे कर देंगे इसको। अब ठीक है, अब तो हो गया लैंडस्केप। बेटा मेरे को पता नहीं है अपलोड हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। मैं तुम्हें आज ना क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करते जाएंगे है ना, इसी के रिलेटिव के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे एकदम, ठीक है। अब कैमरे को कैसे घुमाएं? हाँ टेस्ट हो गया बेटा, बिग यस आया है। सुनो कोई नहीं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है हम क्वेश्चन करेंगे आज। अभी वर्टिकली था बेटा, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? हाँ ठीक है, हाँ क्लियर दिखाई देगा इस पे, क्लियर दिखाई देगा। खैर मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, सबसे पहले इतनी देर के लिए मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो अब देखना, एक क्वेश्चन है, ए है ओरिजिन पे,
ओरिजिन पे, बी की पोजीशन है, बी की पोजीशन है 5.0 पे। क्वेश्चन समझ में आ गया? पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आकर्षित। हाँ, आपको यह बताना है इफ ए इज एट रेस्ट एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज -4i cap + 3j cap, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन ए एंड बी। करो सॉल्व। बेटा बाद में करेंगे उत्कर्ष, इसके बाद में करेंगे। आर्यन बख्शी का आंसर है 5। नहीं बेटा जी, कोई बात नहीं, अटेंड करो फिर से। टेन रूट टेन तो यार काफी ज्यादा हो जाएगा बेटा। रमर्श, अभी इनके बीच की डिस्टेंस 5 है, तो बोल रहा है मिनिमम डिस्टेंस √10। देखते हैं √10 2 पॉइंट हो भी सकता है। मानो सही आंसर। मानो बच्चे तेरा आंसर एकदम सही है। जीरो नहीं है बेटा, ठीक है मैं करवा रहा हूं। देखो ध्यान से समझना तुम। ये देखो, अगर ये मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं तो ए तो यहां पे 0.0 पे लिखा ना ओरिजिन पे, और जो B है, B की पोजीशन है 5.0, 5.0 यही आएगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं ये कहता हूं इसकी जरा वेलोसिटी देखो किधर आएगी। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो 4 है, हाँ है ना, और इस डायरेक्शन में 3 है। तो एक्चुअली में ये जो चीज है ये इस डायरेक्शन में जा रही होगी बेटा, इसमें किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से, हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई सबको? भाई वेलोसिटी देख लो ना, ये है ना -4i 3j,
माइनस फोर है ना, आई ये वाली डायरेक्शन है, तो माइनस फोर मैग्निट्यूड का वेक्टर इधर है, एक्स के अलोंग ये वेलोसिटी है, हाँ है ना, और जे के अलोंग ये वेलोसिटी है, थ्री है, थ्री जे, जे ऊपर की तरफ है। अब ठीक है अर्शदीप, समझ में आ गया बेटा? चलो ठीक है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बताओ कितना होगा, 37। तो ये जो पार्टिकल है ये जब देखेगा, ये तो रुका ही हुआ है, ये जब इसको देखेगा तो ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा, इसका पाथ ये रहा होगा, हाँ या ना, वेलोसिटी इसकी 5 है। ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी, जब आप ये वाली होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाली होगी या ये वाली होगी, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात है, परपेंडिकुलर होगी। तो ये एंगल कितना है, 37, हाँ है ना। आपको जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो तो ये वाली कैलकुलेट करनी है ना। अब आपको ये पता चल गया है, जरा ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस 5 है, ये 37 डिग्री है, और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो मेरे हिसाब से एल एम और एन एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 37 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये हाइपोटेन्यूज ही तो है ना, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 5 साइन 37। बेटा ऐसे पता चला ये इधर 4 है, ये इधर 3 है, तो मैं पता है ये इसकी वेलोसिटी इधर होगी 5, और इसके साथ ये एंगल कितना होगा, 37, 3, 4, 5, ऐसे पता चला बेटा। कोई भी एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, 3, 4, 5 है, तो ये एंगल होगा 53 डिग्री और ये होगा 37 डिग्री हमेशा। ठीक है सिमरन, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। बोलो नहीं आई बात समझ में? चलो बढ़िया है, समझ में आ गया तुम्हें, आना भी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखो, ये एक लाइन जॉइनिंग है, ये ए है, ये बी है, बात समझ में आई नहीं, ये ए है और ये बी है, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा ये। ध्रुव एक बार ना ये क्वेश्चन दे देता हूँ सबको, फिर तेरे को फिर से समझा दूंगा, है ना, ए और बी है, तो ये पता चला कि ये जो बी है ना, इसकी जो वैल्यू इधर है ना वेलोसिटी, वो 10 मीटर पर सेकंड है, और इनकी जो लाइन जॉइनिंग है ना, ए और बी को लाइन जॉइनिंग है, ये एंगल है 30 डिग्री। लॉजिक समझ में आया? ए और बी की लाइन जॉइनिंग पे किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इतना समझ में आ गया? ए की वेलोसिटी अननोन है, मूविंग विथ अननोन वेलोसिटी, क्या बात समझे? क्या वीडियो पॉज है?
ना ना आ रहा है बेटा, क्लियर है। हाँ, ए इज मूविंग विथ मिनिमम विथ अननोन वेलोसिटी। आपको ये बताना है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए सो दैट बोथ ए एंड बी कोलाइड। इसको सॉल्व कुछ नहीं दिया हुआ, बस इतना ही है क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए, या मिनिमम स्पीड बोल दो चाहिए। मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड ही बोल दो चाहिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा थोड़ा। पर एक ही बात है, मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम स्पीड। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी टाइम पे जब मैंने ऑब्जर्व किया ए और बी की जो लाइन जॉइनिंग है उसके साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए बी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ए की मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि ए और बी कोलाइड कर जाए। देखते हैं, आराम से सॉल्व करो, जल्दबाजी है नहीं हमें। मैं बताऊं, चलो पहले मैं भी एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा ना तुम्हें, फिर तुमसे बाकी क्वेश्चन होंगे तो तुम्हें मजा आएगा। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक बार में। चलो मैं बता रहा हूं, सुनो, मेरे को ये बात बताओ। उससे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है, ये बताऊंगा उससे पहले एक सिंपल अप्रोच है। दो पार्टिकल्स को मैं ऊपर फेंकू,
v1 वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से एंगल थीटा वन एंगल थीटा टू। मैं कहता हूं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये दोनों टकराए आपस में, हवा में दोनों टकराए, कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो मेरी ये बात समझना ध्यान से, इनकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे ना? ना, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू जरूरी नहीं है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। देखो मैं ये कहता हूं इसकी वेलोसिटी इधर होगी v1 साइन थीटा वन, और ये क्या होगी v1 cos थीटा वन। इसकी वेलोसिटी क्या होगी v2 साइन थीटा टू, और इसकी ये वेलोसिटी क्या होगी v2 cos थीटा टू। बोलो यहां तक बात समझ में? क्या ये बात समझ में? इतना तो समझ में आएगा अगर सबको। मैं कहता हूं ये तभी टकरा सकते हैं जब दोनों सेम हाइट पे हो ग्राउंड से। अगर देखो ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी ना तो ये कुछ यहां पे टकरा जाएंगे, ये वाली वेलोसिटी कम होगी क्योंकि ये डिस्टेंस तो कवर करनी है तो ये कुछ यहां पे टकराएंगे। लेकिन ये टकरा तभी सकते हैं जब दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो, दैट इज ग्राउंड से दोनों सेम हाइट पे हो। आप देखो ये चल के यहां पहुंच जाए, उस टाइम पे अगर ये चल के यहां पहुंच जाए तो ये कब पहुंच सकते हैं अलग अलग हाइट पे? ये अलग अलग हाइट पे तभी पहुंचेंगे जब इन दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। हाँ या ना? क्या बात समझ में आई या नहीं? पक्का समझ में आ गई इसी तरह से? तो मैं कहता हूं ये दोनों तभी आपस में टकरा सकते हैं जब v1 sin थीटा 1 शुड बी इक्वल टू v2 sin थीटा 2। अब मैं इसका और बढ़िया एक्सप्लेनेशन देता हूं तुम्हें, और बढ़िया एक्सप्लेनेशन। हाँ बिल्कुल, और बढ़िया एक्सप्लेनेशन देता हूं। मान लो आप इधर दौड़ रहे हो, आपका दोस्त इधर दौड़ रहा है, आप दोनों कब टकराओगे? सेम ही लाइन से स्टार्ट हुए, आप दोनों कब टकराओगे? आप तभी टकरा सकते हो जब आपकी ये वेलोसिटी और आपके दोस्त की वेलोसिटी ये दोनों सेम हो, तभी आप सेम टाइम पे इस स्टार्टिंग लाइन से सेम दूरी पे रहोगे। और इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट और इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, ये दोनों आपको आपस में पास में लेकर आएंगे। आया ना? सेम स्पीड नहीं, सेम स्पीड अलग आंसर अलग आ जाएगा। मैं बोल रहा अगर मान लो ये 10 है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसकी क्या वेलोसिटी होनी चाहिए दोनों टकराए? तो आप क्या करोगे 10 साइन 30 कितना आ जाएगा 5, तो इसकी ये वेलोसिटी 5 है, तो इसकी ये वेलोसिटी भी क्या आनी चाहिए 5 आनी चाहिए। तो आप क्या कर दोगे वी साइन 60 शुड बी इक्वल टू 5, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो v किसके बराबर आ जाएगा 10/√3। आया ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? और क्या, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू होगा तो दोनों सेम वेलोसिटी होंगे। अरे यार एवा बताओ, जब आपका फॉर्मूला यही है तो एक चीज सोचो, अगर ये और ये एंगल बराबर हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये और ये तो बराबर होनी पड़ेंगे, तभी इक्वेशन होल्ड करेगी। मैंने सिंपल ये कहा ये तभी टकरा सकते हैं, इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, दैट इज स्टार्टिंग लाइन से दोनों सेम दूरी पे होंगे तभी तो टकरा सकते हैं ना। एक आगे निकल गया एक पीछे रह गया तो फिर कैसे टकरा सकते हैं? नहीं आई बात समझे? अब एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे एक मिनट फिर से तो बिल्कुल बिल्कुल विकास सही बात है। अब एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, कुछ दिमाग लगाओगे? अमरीश सही है तेरा आंसर, एकदम सही आंसर। प्लेन तो सेम हो नहीं चाहिए, तू तेरे घर पे दौड़ रहा मैं मेरे घर पे दौड़ रहा हूं तो यार ऐसे कैसे टकरा जाएंगे बेटा? सेम प्लेन में दौड़ने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। आगे पीछे फेंक दोगे तो कैसे टकराएंगे? जैसे मान लो मैंने इसको फेंका, एंगल नॉट शुड बी सेम, जरूरी नहीं है कि एंगल सेम हो। मैं बोल रहा हूं एक को यूं फेंका एक को यूं फेंका, देखो नहीं टकराए, यहां से फेंका दोनों को, एक एग्जांपल देखो तुम। और है ना आंसर मत रटना, सॉल्यूशन समझना है तुम्हें। इन दोनों को यहां से फेंका,
तो ये पक्की बात है, ये तभी टकरा सकते हैं जब दोनों की यहां से सेम दूरी हो और इनके बीच की सेपरेशन कम होती हो, तभी टकराएंगे। अगर मान लो इनके बीच में भी आ रही लेकिन इसकी इधर की वेलोसिटी ज्यादा, तो कैसे टकराएंगे? कभी नहीं टकराएंगे। और मैं कहता हूं अलग अलग प्लेन में हुए, एक थोड़ा नीचे एक थोड़ा ऊपर, अब चाहिए सेम हो तो भी नहीं टकराएंगे, हाँ या ना? तो सेम प्लेन में होने चाहिए। हाँ आंसर 5 है, बिल्कुल सही बात है कि आंसर 5 है। अब इसको थोड़ा सा यूं कर दो, बस अब समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है? इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना होगा? 5 होगा, 10 sin 30, हाँ है ना? और ये कंपोनेंट क्या होगा? 5√3। इसका जो कंपोनेंट उधर, वही कंपोनेंट इसका इधर होना चाहिए। तो अगर ए इसको देखेगा, ए अगर बी को देखेगा, तो बी है ना आगे जाता हो नहीं दिखाई देगा इसको, बी इसको सिर्फ पास आता हो दिखाई देगा। और मैं समझा भी सकता हूँ, मान लो इसकी वेलोसिटी 5 है, तो इसने अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट माना, -5 कर दिया, वही -5 इसमें किया, तो इसकी ये वेलोसिटी तो गायब होगी, इसको ये लगेगा सीधा मेरी तरफ ही आ रहा है। इससे ज्यादा भी हो सकता था, अगर मान लो इसको इधर फेंक देते और ये एंगल मान लो थीटा होता, तो इसका जो ये कंपोनेंट ऑफ 5 होना चाहिए, दैट इज वी साइन थीटा शुड बी 5। तो मिनिमम पूछिए, ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए, हाँ या ना भाई? ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तो ये वैल्यू मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो वी किसके बराबर आ जाएगा? 5 वी मिनिमम। साइन, तो वी की वैल्यू होनी चाहिए, तब साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी कि किस एंगल पे इसको दौड़ना चाहिए। समझ में आ गया ये? अच्छा मैं बेटा सिमरन ये बोल रहा हूं कि जैसे ये यू है, ये ए है, ये बी है, मैं कह रहा हूं कि उल्टा लिख दिया, ये बी है और ये ए है, इसकी वेलोसिटी इधर है ना वो 10 है और ये एंगल 30 डिग्री है। मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो ये कंपोनेंट है वो 5 होना चाहिए। इसकी वेलोसिटी अगर वी इधर और मान लो ये एंगल थीटा है, तो तुम्हें पता है ये दोनों तभी टकराएंगे जब दोनों की इस डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम हो, ताकि बस ये अप्रोच करता हो दिखाई दे। तो क्या करोगे? वी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 5 करोगे। अब मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें वी मिनिमम पूछा है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तब थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अभी भी नहीं आया समझ में? हाँ आकर्षित, लोगों का फीडबैक उसी को यूज कर रहा हूँ। सबको समझ में आ गया? नहीं कुछ नहीं, बताओ मेरे को पहले, तो तुम बोलो। और बढ़िया क्वेश्चन, एक और मैंने पूछा है कि मिनिमम वेलोसिटी बताओ, मैंने क्वेश्चन में यही पूछा बेटा कि फाइंड मिनिमम वेलोसिटी। देख लिखा है मैंने, इधर गया क्वेश्चन, ये रहा, फाइंड मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम ही निकालेंगे अगर मिनिमम पूछा है तो। प्राची कौन सी बात नहीं है समझ बेटा? ठीक है करो, अभी यार करो, मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ इतनी देर में, लास्ट पार्ट बेटा। मैंने ये कहा क्वेश्चन में ये दिया, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए, ए की मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, हाँ या ना? क्वेश्चन में लिखा है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट तो तुम समझ ही गई होगी कि ये वी वन है, ये वी टू है, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, ये तभी टकराएंगे जब क्या होगा? वी वन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम प्राची। अरे बेटा ये तो सिंपल है, देखो मैंने कहा ये यो है, ये 5,0 पे है बी, ए यहां पे रुका हुआ है, इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी है -4i + 3j, इसका मतलब ये वेलोसिटी किधर हो गई?
माइनस फोर, आई तो इधर डायरेक्शन है तो माइनस फोर, फोर मैग्नीट्यूड की इधर वेलोसिटी होगी और थ्री जे मतलब ऊपर होगी, तो इसकी स्पीड जो होगी वो होगी फाइव, और ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ये बनेगा 37 डिग्री। क्या ये यहां तक बात समझ में आ गई? क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं ये कह रहा हूं कि इधर देखो, तो इसका मतलब फाइव से जा रही है, ये एंगल 37 डिग्री है, अब ये जाते 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 यूं हो जाएगी। मैंने बोला ए और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कब होगी? तभी होगी जब ए से ये परपेंडिकुलरली दूर हो। अब ये डिस्टेंस आपको पता ही है फाइव है, तो क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हो पाइथागोरस से? बस तो आंसर आ गया। ठहरो, ये क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं तुम्हें। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन दू, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है एक मिनट दो, मजा आ जाएगा तुम्हें करने में। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? तो करो, बेटा विकास दो चीजों का प्रोडक्ट है, x इंटू वाई इक्वल टू फाइव है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो y की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए ना, एकदम सिंपल बात है। दो दोनों का दो चीजों का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है, तो एक चीज की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दूसरी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। एंगल, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो अल्फा दिया हुआ है, ये अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की ही वैल्यू निकालनी है, ऋषभ एक बार भेज दे बेटा, चार पांच दिन से तो मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूं। अभी भेज दे बेटा व्हाट्सएप पे, देख लूंगा थोड़ी देर में, फिर फोन लगा लूंगा मैं तेरे को।
मानो देखना पड़ेगा यार, देखना पड़ेगा इसका आंसर। शायद सही है, रुद्र शायद सही है, लग रहा है मेरे को भी यही आंसर। गलत है बेटा, गलत है, गलत है, नहीं लग रहा। ना बेटा मैं बताऊं, हाँ ये सही है वंशिका, तुम्हारा आंसर काफी हद तक सही है, सही है शायद तुम्हारा आंसर। चलो मैं कराऊं क्या, फिर तुम्हें पता चलेगा तुमने गलती क्या की है। ना 10 इनवर्स 3 इनवर्स। देखो क्वेश्चन को समझो, एक बात समझो तुम कि तुम सब क्या गलती कर रहे हो, बता दो पहले। अगर विंड स्क्रीन खोली है तो अगर ये लेंथ एल है तो इसका ये वाला पार्ट भी तो एल ही होगा ना यार, पहले ये बताओ। ये बात समझ में आई या नहीं है? ये बात समझ में आती है अच्छी तरह से भाई? अगर ये डिस्टेंस एल है, और बड़ा करके दिखाते हैं इसको, मैं कहता हूं अगर ये लेंथ एल है तो ये जब खुलेगा तो इसके लिए ये लेंथ भी तो एल ही होगी, ये वाली लेंथ भी तो एल ही होगी। क्या यहां तक बात समझ में आ गई सबको? क्वेश्चन दिखाऊंगा एक बार, एक मिनट देख लो।
करता हूं बेटा। हाँ अब देखो यहां तक समझ में आ गया, ये एल ये एल। अब तुम सोच रहे थे 60 डिग्री, अरे इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं लगाया यार तुमने। ये जो कार है ये इधर जाके किस स्पीड से, 6 से, और बारिश नीचे किस स्पीड से आ रही है, 2 मीटर पर सेकंड से। हाँ है ना, क्या यहां तक बात समझ में आ गई सबको? क्या यहां तक बात सबको समझ में आ गई? अच्छी तरह से समझ लेना, एक ही बार समझाऊंगा। यहां तक समझ में आ गया? तो कार के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कार के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट में मानेगा, वही चीज इसमें कर देगा, तो ये आ जाएगा 6। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा ये। क्या बात समझ में? इसके हिसाब से इसको बारिश इधर आती दिखाई देगी कार में बैठे हुए बंदे। आया ना, सबको समझ में आ गई ये बात यहां तक? सबको समझ में आ गई ये बात यहां तक? अब देखो, अब मेरे को ये पता है कि ये बारिश क्यों आ रही है, अंदर पानी कब नहीं घुसेगा? अगर मान लो ये बारिश आ रही है और ये ऐसे आने लग गई तो अंदर चला जाएगा पानी, यूं आ रही है बारिश तो आ जाएगा, या ये एंगल आपने बड़ा कर दिया यहाँ कर दिया तो बारिश यूं आ रही है तो ये अंदर आ सकती है। हाँ या ना, ये लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें? डायरेक्शन लगा दी तो 6 लिख सकते हो ना, इसको +6 बोलोगे तो इसको -6 अपने आप ही है, डायरेक्शन बता दी ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहां तक बात समझ में आ गई? तो तुम लॉजिकली सोचो, अगर बारिश, अगर मान लो ये एंगल बना रही है, यूं आ रही है बारिश, तो इसको देखो तुम यहां तक खोल दोगे, इसको यहां तक खोल दोगे तो पानी नहीं आएगा, लेकिन ये मैक्सिमम खोलना चाहता है, और ज्यादा खोल दोगे तो पानी अंदर आ जाएगा इसके कार में। 90 डिग्री कैसे आएगा यार? एक चीज सोच, तो मान ले इसको 90 डिग्री पे खोल दे, ये ले खोल दिया 90 डिग्री पे, और बारिश यूं आ रही है, अब बता कैसे जाएगा, अंदर चला जा सकता है पानी? आया ना, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको समझाता हूँ, ठीक है? मेरे को ये पता है, ये है 2, ये है 3, ये सॉरी ये है 6, तो बारिश जो आ रही है वो आ रही है ऐसे, यूं आ रही है बारिश। और मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ये आपकी कार होगी जो इधर जा रही है 6 मीटर पर सेकंड से। यहां तक समझ में आ गया? ऐसा ही होना चाहिए ना, जस्ट पानी गाड़ी में अंदर आने से बचा हुआ है, और इससे ज्यादा ऊपर करूंगा तो पानी अंदर आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक समझ में आ गया? पक्का ना, बाद में मत बोलना रिपीट करना है। ठीक है, अब देखो मैं ये कहता हूं, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा, ये बताओ मेरे को। ये बताओ ये कैसा ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है? ना इक्विलेटरल का है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। आया ना, यही तो प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए 60 डिग्री आ जाता है आंसर। बिल्कुल, ये जो होगा ये दोनों एंगल सेम होंगे, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं और इसको भी थीटा बोल दूं, तो ध्यान से देखो क्या होगा, अल्फा +2 थीटा शुड बी इक्वल टू पाई, दैट इज 180। आया ना, तो 2 थीटा किसके बराबर आ गया, पाई -अल्फा, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, पाई -अल्फा
बाय टू, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक? ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, देख लो ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे मेरे हिसाब से, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, आया ना? आया ना? अभी तो निकालेंगे ना, थीटा की वैल्यू आई है अल्फा की टर्म से, ये चीज होगी अभी कैलकुलेट कर रहे हैं हम। अरे यार ये लेंथ है ले, ये लेंथ है ले, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी दो साइडें सेम हो? मोक्ष आ गई बात समझ में? यार दो ये लाइने है, ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होते, तो यहाँ पे भी तो यही है, ये दोनों वर्टिकल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होंगे। अब देखो, अब बताओ ये जो थीटा हुई इसी के बराबर ही है, टेन थीटा की जगह मैं ये लिख रहा हूं पाई बाई टू माइनस एल्फा बाई टू किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज थ्री। बेटा थर्ड साइड एल होती तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता कृष्णन, फिर क्वेश्चन बनाने का क्या फायदा, बारिश करने की क्या जरूरत है, फिर तो बता ही दिया कि एंगल क्या है, तो ये कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस थ्री आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एल्फा बाई टू शुड बी इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री। समझ आई बात यहां तक? अब क्या होगा, एल्फा बाई टू शुड बी इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स थ्री। बोलो नहीं यही बात समझो, तो अल्फा किसके बराबर आ गया बच्चों, पाई माइनस टू टेन इनवर्स थ्री, दिस इज द आंसर। बोलो उत्कर्ष का डाउट है, अनम्यूट करता हूं मैं तुम्हें। सीधा थीटा टेन इनवर्स थ्री आ रहा है, तो बेटा पहले ये चीज देख, तेर से पूछा क्या है, तेर से ये थीटा तो नहीं पूछा है, तेर से तो ये अल्फा पूछा है ना क्वेश्चन के अंदर, कि गाड़ी का इसके साथ क्या एंगल बनाना है, नहीं माइनस सिक्स नहीं लोगे यार तुम्हें, तो एंगल ही लेना है ना, डायरेक्शन तो तुम बना ही चुके हो वेक्टर से। एवा बताया यार ये दोनों वर्टिकल लाइन है, बारिश यूं आ रही है तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना ये। इसको ऐसे भी लिख सकता था टेन थीटा इक्वल टू थ्री, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री, लेकिन थीटा की वैल्यू है किसके बराबर, ये तभी तो अल्फा की वैल्यू निकलेगी तुमसे। बड़ा खतरनाक नहीं है, अभी एप्लीकेशन वीक है बेटा, अब ठीक है। ऑप्शन में अगर नंबर दियो, नहीं पेपर में ऐसे क्वेश्चन होते, एडवांस में होता है, आईआईटी एडवांस में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या धीरे धीरे दिमाग डेवलप होगा ना बेटा। देखो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अगर तुम इसको सिक्स बोल रहे हो तो माइनस सिक्स है, तो मैं बोल रहा हूं अरे यार अगर ये एंगल ये सिक्स है और ये एट है तो ये एंगल कितना होगा, कुछ माइनस थोड़ी लगाओगे, तो 153 डिग्री थोड़ी बोलोगे इसको,
चलो बोलो, एक और जबरदस्त क्वेश्चन चाहिए तुम्हें, पक्का? तो इन्हें अभी भेज रहा हूं, अभी 2 मिनट दो मेरे को, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन देंगे अभी आपको, मतलब इस बार वैसा जो तुमसे सॉल्व हो, ठीक है? 1 मिनट मेरे को फिगर आउट करने दो क्वेश्चन। एक मिनट दो। देखो मेरे को वैसे मिल नहीं रहा क्वेश्चन, मैं वैसे ही बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है? वैसे ही समझा देता हूँ। ये लो, अब इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, डोंट वरी। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, परपेंडिकुलर फॉर्म बेस बेटा -6/2, तुम थीटा कौन सा ले रही हो ये देखो ना। अगर मान लो माइनस तो तुम सब लेते ना बेटा जब एंगल ये लेती, जब तुम एंगल ये लेती ना तो माइनस लेती इसको। अभी तुम ये एंगल ले रही हो तो इसको पॉजिटिव ले लो क्योंकि सीधा यही आ रहा है। और मेरे को फोन कर लेना, मैं समझा दूंगा तुम्हें अच्छी तरह से बात, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये देखो मैं एक चीज कह रहा हूं, ये दो रास्ते हैं, ठीक है? ये दो रास्ते हैं, ये जो एंगल है ना ये 60 डिग्री है दो रूट्स के बीच में। एक बंदा यहां से है 40 मीटर दूर, एक बंदा यहां से 30 मीटर दूर। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, या ना? दो कार्स हैं, ये कार है इधर जा रही है वी नॉट वेलोसिटी से, एक कार ये बी, ये भी दर्ज आ रही है वी नॉट वेलोसिटी से, दोनों की वेलोसिटी सेम है, ये एंगल 60 डिग्री है। आपको ये बताना है मिनिमम सेपरेशन क्या होगा इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब ए बी सबसे नजदीक कितने होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से कह रहा हूं मैं तुम्हें, ये ए है ये बी है, ए कार इधर जा रही है बी कार इधर जा रही है सेम वेलोसिटी से, ये जो जंक्शन है जहां पे सड़क क्रॉस कर रही है दूसरे के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री। आपको ये बताना है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। टेन मीटर। देखो जिसने रक्षित तुमने बताया ना 10 मीटर, उसको तो मैं बता दूं कि गलत क्या हुआ। एक चीज समझना, जब एक ये यहां पहुंचेगा तो ये यहां पहुंचेगा,
तो तू एक चीज सोच, जब ये यहां पहुंचोगी तो ये यहां पहुंचोगा तो ये डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, इससे 10 से कम नहीं हो सकता है। चालीस तो हो ही नहीं सकता है, थोड़ी देर बाद में ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, हाँ या ना? कुछ ऐसे आएगी डिस्टेंस, सोचो सोचो सोचो, दोनों की वेलोसिटी सेम है। दोनों की वेलोसिटी सेम है, इस जंक्शन पे आ रहे हैं, एंगल दोनों के बीच का 60 डिग्री है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताना। दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी? सही लग रहा है मेरे को आयुषी तुम्हारा आंसर? चलो मैं बताऊं क्या, चलो ये बताओ, अच्छा तरीका बताओ या घटिया तरीका बताओ? चलो पहले तो वो तरीका बताता हूं जिसे लोग जनरली सॉल्व करते हैं, समझ तो दोनों ही आ जाएंगे। किसी भी टाइम पे ये जो डिस्टेंस होगी ये बचेगी 40 - V0 × t, और किसी भी टाइम पे ये जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बनेगी, 30 - V0 × t, आया ना? यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये डिस्टेंस तो मैंने निकाल लिए, सर ये यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पे पहुंच गया, हाँ ना? ये डिस्टेंस निकाल, इस डिस्टेंस को अगर मैं एक्स बोल दूं तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा? इसका स्क्वायर। तुम्हें कॉस वाला फॉर्मूला पता है ना,
बी सी है ना, ये एंगल सी होता है, ये एंगल बी होता है और ये एंगल ए होता है, हाँ है ना, पता है? नहीं पता है या नहीं पता? चलो बढ़िया बात है, पता है। अब देखो, अब मैं ये कहता हूं तो ये वैल्यू किसके बराबर है? अगर मान लो तुम्हें ये सी निकालना है तो तुम बोलोगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी, आया ना, आया ना, आया ना, ऐसे ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो जो एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा? 40 माइनस वी नॉट इंटू टी का स्क्वायर प्लस 30 माइनस वी नॉट इंटू टी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 40 माइनस वी नॉट इंटू टी इंटू 30 माइनस वी नॉट इंटू टी इंटू कॉस 60 डिग्री, और फिर इसका अंडर रूट कर दोगे पूरे का तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, आया ना। एचडी भी एक है ना फॉर्मूला होता है, इफ दिस इज ए साइड दिस इज बी साइड दिस इज सी साइड दिस एंगल इज सी, सी के सामने कैपिटल सी, ए के सामने कैपिटल एंगल और बी के सामने कैपिटल बी, ठीक है। अच्छा अभी बता रहा हूँ कृष्ण, तो अगर मान लो तुम्हें ये डिस्टेंस निकाल या मान लो बी निकाल लिया तो बी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी और कॉस बी, ये फॉर्मूला होता नहीं है? बात समझ में, बात समझ में आ गई सबको? तो मैंने यही तो कहा ना, और बेटा मैं ये कह रहा हूँ रीजनल, तूने कहा ये 40 थी तो टी टाइम में ये कितना आगे आ जाएगी? वी नॉट इंटू टी आगे आ जाएगी ना, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? 40 माइनस वी नॉट इंटू टी, ऐसे ये डिस्टेंस क्या बचेगी? 30 माइनस वी नॉट इंटू टी, आया ना, आई बात समझे? अब एक्स आ गया, वी नॉट तो कॉन्स्टेंट ही है, तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, मैक्सिमा मिनिमा लगाओ वो टाइम आ जाएगा, टी क्या है? टी टाइम है, टी इज द टाइम, टी टाइम के अंदर ये यहाँ पहुंचा, टी टाइम ये यहाँ पहुंचा, वी नॉट इन टू टी, अब इसमें मैक्सिमा मिनिमा लगाओ, और देखो ऐसे मैक्सिमा मिनिमा लगाना मेरे को अच्छा लगता नहीं, तो बेसिक तरीका तो इसका यही है, मैथमेटिकल अप्रोच, आया ना, ये इसकी कौन सी अप्रोच है? मैथमेटिकल अप्रोच है, लेकिन तुम ये थोड़ी सीखोगे मेरे से, तो इसको हटाओ, अपन दूसरा तरीका निकालेंगे, और वो दूसरा तरीका देखो क्या है, सबको समझ में आ रहा है ना? दूसरा तरीका देखो, वो ज्यादा बढ़िया है। ये 30 है, ये 40 है, ये 60 डिग्री है। एक चीज देखो, इसकी वी नॉट वेलोसिटी इधर है, इसकी वी नॉट वेलोसिटी इधर है, ये तो पता ही है तुम्हें। अगर ये अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट पे ले आए, बी अपने आप को अपेरेंटली रेस्ट पे ले आए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एक वेलोसिटी होगी जो खुद में से माइनस कर देगा, दैट इज वी नॉट, ये जो था ये खुद में से माइनस कर दिया, वही वी नॉट ये यहां से माइनस करेगा, या फिर इन दोनों का वेक्टर सम ही होगा। मेरे को ये बता सकते हो कि ये एंगल क्या होगा?
ये एंगल बता सकते हो? अच्छा 60 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, क्योंकि एक तो इसके अलॉन्ग हो गया और एक इसके अलॉन्ग हो गया, और ये 60 है तो ये 120 होगा ना। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर ये देखे रुक के, तो इसको ये चीज की रिजल्टेंट इन दोनों का बीच में आएगी वेलोसिटी, तो इसको ये चीज इधर जाती हुई दिखाई देगी। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, मेरे को बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल बता सकते हो कितना होगा? ऑब्वियसली बात है 60 डिग्री होगा। अब अगर ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये तो रुका हुआ अपीयर हो गया, तो इसके ऊपर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी कि इसके पास क्या परपेंडिकुलर डाल दो। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो मैं निकालेंगे। हाँ या ना भाई? एक अपेरेंटली रेस्ट पे आ गया यार, ऑब्वियसली बात है ये दोनों वेक्टर बराबर बराबर है, 120 डिग्री एंगल है, रिजल्टेंट बीच में ही आएगा, तो ये 60 डिग्री होगा। अभी भी नहीं आई बात समझ? अरे यार दो वेक्टर है रिजल्टेंट में सेम मैग्नीट्यूड के, तो एंगल बाइसेक्टर भी तो जाएगा। ये ऐसे है, ये इसकी वेलोसिटी इधर है, और ये जो माइनस की इसकी वेलोसिटी इसके अलाउंग है, तो ये 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? 120, तो वही एंगल इन दोनों के बीच में होगा। अरे नहीं है समझ में? अरे अरे यार यही तो बता रहा हूँ, एक बार बता मेरे को, फिर से देख ले यार। मैं कह रहा हूँ इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, ये अपने आप को रेस्ट में लगा, ये वेलोसिटी माइनस करेगा, तो ये तो रेस्ट में आ गया, वही इसमें से सारी दुनिया में सेम ही वेक्टर माइनस करेगा। अब बता इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना है? ये तो 60 डिग्री है दोनों सड़कों के बीच में, तो एक वेलोसिटी इसके अलॉन्ग है, तो ये वाली तो यही तो माइनस की है ना, तो ये इधर ही तो आएगा, तो ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो यार इन दोनों के बीच में भी तो वही एंगल है जो इन दोनों के बीच में, ये और ये पैरेलल ही तो है, या ये और ये सेम ही तो है। अभी भी नहीं आया समझ में? और क्या, 120 में से 60 में से 180 में से माइनस करते 60, तो 120 ही बचेगा, तो लीनियर पेयर है ना। ओके अब आ जाते हैं फिर से इस क्वेश्चन पे, इधर आ जाओ फिर से, एक बार समझना है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बड़ी जल्दी होंगे, स्ट्रेट ही होगा यार। ऑब्वियस ही बात है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपका दोस्त इधर से क्यों जा रहा है, तो आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी? यही तो होगी, और कौन सी होगी? क्या वीडियो पॉज हो गया है? आ गई बात समझ में? ये तो बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई ना सबको? तो ये है ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो मैं कैलकुलेट करूं, सही बात है। आप जरा ध्यान से देखो एक चीज, मेरे को तुम ये बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्यों? ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। मेरे को ये डिस्टेंस बता सकते हो, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से लेके यहां तक? ये डिस्टेंस कितनी होगी बता सकते हो? 10 होगी। क्यों? ये 40 है, ये 40 है, ये भी 40 होनी चाहिए, लेकिन 30 तो ये ही, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई है? 10 हो गई। हाँ या ना? ये एंगल तुमने बताई दिया 60 डिग्री है, तो कुल मिला के आपको ये पता है कि ये डिस्टेंस है 10, ये एंगल है 60 डिग्री,
और आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली निकाल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस बिल्कुल सही बात है, 5√3 आ जाएगा आंसर, एंड दिस इज योर आंसर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, 5√3 या 5/√3 जो भी आएगा। समझ में आया तुम्हें? पक्का? अब मेरे को ऐसा लगता है कि तुमसे थोड़े क्वेश्चन मतलब और ज्यादा फील आई होगी तुम्हें आज के बाद में रिलेटिव की, है ना, मतलब जिसे बोलते हैं ना कॉमन सेंस लगाओ कि करना कैसे है। मोक्ष नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से वीडियो लेक्चर देख लेना, हाँ देख लेना, रिकॉर्डिंग देखने में क्या जाता है ना। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, केयर लो अपनी। अरे एवा बताओ, ये ऑफलाइन कोचिंग में कौन कौन आएगा, कौन कौन रेड है, कौन कौन रेडी आने के लिए ऑफलाइन में 15 से 15 के बाद में? जबरदस्ती हाँ मत बोलना, डाउट्स के लिए नहीं, रेगुलर क्लास के लिए। किस किस के घर वाले मना कर रहे हैं, मना किस किस के घर वाले कर रहे हैं, अभी नहीं भेजेंगे थोड़े टाइम बाद में। अच्छा हाँ, अभी बेटर ट्रांसपोर्ट तो कैसे होगा, भीड़ हो जाएगी ना। एरिन कह रहा है सेफ्टी है तो आऊंगा, बेटा तू आ जाना, तेरे को सेफ्टी, तेरे को पैक करके रखेंगे, एकदम रैपिंग रखेंगे तेरी एकदम। बेटा ये तो मेरे को भी नहीं पता, अभी मैं आ जाता, मैं 2-3 दिन पहले ही आ जाता, मेरे को खुद को ही बीमार हो गया ना इसलिए नहीं आया मैं। ऑनलाइन बंद नहीं होगा, अभी ऑनलाइन बंद हो ही नहीं सकता, कम से कम दीपावली तक तो हो ही नहीं सकता, हमें कोई हाइब्रिड प्रोग्राम चलाना पड़ेगा कि मान लो जो डाउट है वो हो जाए, है ना, जो थ्योरी है ना, हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, तो जो थ्योरी है ना, थ्योरी तो हम कंप्लीट कर देंगे ऑनलाइन में, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे 1-to-1 सामने ऑफलाइन में। अभी पता नहीं बेटा, जब फैसिलिटी तो हम देते ही थे, पता नहीं बेटा कैसे हो गया, इनफैक्ट सब हो गए, चिंता मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बाप रे, हाँ मैं घर पे ही हूँ। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, बाय बाय, है ना, केयर लो अपना, ठीक है।